हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एच पी पोकेमॉन्स। और उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे डिज़ाइन को अच्छे से नहीं देखा है, देख लो यार, कोई डिज़ाइन कैसा लगा या कमेंट में नीचे ज़रूर बताओ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बता देना कि मुझे किस टॉपिक पर और वीडियोस बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, एकदम फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते। नीचे आपको रेड बटन दिख रहा है, उसको जूते से मार मार के दबा दीजिए, नहीं तो पिकाचू के थंडर शॉक से उसे फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, या ड्रैगन बॉल जी में गोकू के जैसे खामे हामे हाँ करके उसको फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। और जल्दी से मैं 3 तक गिन रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 1 2 3। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, आपने सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को अभी हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे सबसे ज़्यादा क्यूट पोकेमॉन आता है, उसका नाम है स्क्वर्टल। स्क्वर्टल एक वाटर टाइप बहुत ही क्यूट पोकेमॉन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वाटर टाइप पोकेमॉन है पानी का, और ये बहुत ही ताकतवर है। ऐश ने इस पोकेमॉन को पकड़ा नहीं है, ऐश ने इसकी मदद की थी, तो वो उनकी टीम में चला आया था स्क्वर्टल। फिर जो हमारा ऐश होता है ना, ये स्क्वर्टल को उनको दे देता है, ऑफिसर जेनी को दे देता है, जो कि होती है पुलिस। वो इसलिए मांगती है, जहाँ पर अगर वाटर पोकेमॉन्स की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर स्क्वर्टल भी होना चाहिए। फिर वो वहाँ पर सही दे देते हैं। और स्क्वर्टल बहुत बार एनिमी में हमें दिखाया गया, बहुत बार आया उनसे, ये बहुत बार ऐश से मिलने आया है। तो ये था स्क्वर्टल, जो कि नंबर 10 पर था। तो चलिए नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा नंबर 9 पे पोकेमॉन आता है, उसका नाम है बल्बजॉर। बल्बजॉर भी स्क्वर्टल के जैसे बहुत बार मिलने आया है ऐश से, और ये ज़्यादातर उनके पास रहता है, प्रोफेसर ओक के पास, क्योंकि ऐश उन्हें दे देता है। जब ह्यूमन रीजन स्टार्ट हुआ, तभी से ही ऐश ने अपने बल्बजॉर को प्रोफेसर ओक को दिया। तो दोस्तों, चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 8। तो दोस्तों, हमारा जो अगला पोकेमॉन आता है, जो कि नंबर 8 पे आता है, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन है। हाँ दोस्तों, तीन हैं, जिनका नाम है टोडोडाइल, चिक्रीटा, सिनिकोल। ये तीनों बहुत ही फैंटास्टिक है और क्यूट से हैं, और कॉमेडी भी है थोड़े। टोडोडाइल तो सबसे ज़्यादा कॉमेडी है इन सब में, जो आप ब्लू कलर का देख सकते हो, ये बहुत फनी है। तो दोस्तों, मैं इनके बारे में एक अच्छी बात बताऊँ, ये ब्लू कलर का जो टोडोडाइल है ना, उसको नाचना बहुत पसंद है, उल्टा फुल्टा नाचता है। और जो चिक्रीटा है ना, वो खुद को है ना एकदम हीरो जैसे समझती है। और जो हमें तीसरा नंबर का दिख रहा है, जिसकी आंखें नहीं है, वो सिनिक्विल है ना, वो एकदम क्यूट सा बच्चे के जैसा दिखता है, बहुत क्यूट, उस पर दया आने जैसा हमें लगता है, वो बहुत क्यूट दिखता है, इसलिए वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इन तीनों में से। तो ये पोकेमॉन, ये तीनों पोकेमॉन ऐश के सबसे बेस्ट पोकेमॉन हैं, और ताकतवर पोकेमॉन है, बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे हैं ये लोग। तो दोस्तों, चलिए अगले नंबर की तरफ अभी हम बढ़ लेते हैं, नंबर 7। तो दोस्तों, हमारा जो अगला पोकेमॉन आता है, उसका नाम है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ब्लैक एंड वाइट में था ऐश के साथ, और ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। और ये उस लड़ाई में टॉप 8 में भी आया था, जो कि बहुत गर्व की बात है और बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए तो मैंने इसको नंबर 7 पे रखा है। बहुत शक्तिशाली है, इसलिए तो इसलिए वो नंबर 7 पे है। तो चलिए दोस्तों, नंबर 6 की तरफ अभी हम बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, नंबर 6 पे जो पोकेमॉन आता है, उसका नाम है ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली पोकेमॉन है, बस ये उसके सामने हार गया था एलान के चैरिजार्ड के सामने, क्योंकि इसके बॉन्ड इवोल्यूशन में प्रॉब्लम था, इसलिए। कभी भी देख लिया जाए तो ये सबसे पावरफुल पोकेमॉन है, इसको हराना मुश्किल है।
दोस्तों मुझे ग्रेनिजा बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, सब कुछ उसका अच्छा है। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में इंफरनेट और चैरिजार्ड को नहीं लिया क्योंकि मैंने उनको पहले भी ले चुका हूँ इसलिए। तो दोस्तों नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नंबर 5 पे जो पोकेमोन आता है वो बहुत ही क्यूट है और सबका फेवरेट है, पिकाचू। पिकाचू नंबर 5 पे आता है, बहुत क्यूट है। क्यूट होने के साथ ये पावरफुल भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है। तो दोस्तों मैं आपको पिकाचू के अटैक्स बता सकता हूँ। तो दोस्तों जिसको जिसको पिकाचू अच्छा लगता है वो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा कोई कमेंट कर दीजिए पिकाचू के ऊपर। गाइस आप मेरे पिकाचू को भी खुश कर दीजिए। अरे थैंक यू भवार्थ, तूने आज तो मेरी तारीफ कर दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भवार्थ के सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को जरूर 8 लाइक्स करें। मेरा आप पे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो पे 8 लाइक्स जरूर करेंगे, तो जल्दी से 8 लाइक कीजिए। हाँ पिकाचू, हमारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों का धन्यवाद कि आपने हमें सपोर्ट किया, लाइक्स किए हमारी वीडियो पर। तो ऐसे ही आप हमेशा हमें सपोर्ट करते रहे, तो आप हमेशा हमें ऐसे सपोर्ट करते रहे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे साफ सुधरे वीडियोज लाते रहेंगे, इसलिए हमें सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों चलिए अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नंबर 4 पे जो पोकेमोन आता है उसका नाम है स्केप्टाइल। स्केप्टाइल एक ग्रास टाइप पोकेमोन है और ये ऐश को जो ये स्केप्टाइल था तब वो छोटा था, उसको होवेन रीजन में मिला था। स्केप्टाइल तब ट्रिको था, ट्रिको धीरे धीरे बड़ा होकर गया, फिर ग्रोवाइल्ड बना, फिर बड़ा हो गया, फिर स्केप्टाइल बना। और टूर्नामेंट में तो इसने लड़ाई के बहुत ही अच्छा कर दिया, बहुत मजा आया सिनोलिक के टूर्नामेंट में, और हुवेन रीजन के भी टूर्नामेंट में इसने बहुत ही अच्छे करतब दिखाए, अच्छी शक्तिशाली पावर्स दिखाई, इसलिए ये नंबर 3 पे आता है स्केप्टाइल। तो दोस्तों अगले नंबर की तरफ अभी हम बढ़ लेते हैं। नंबर 2 पे जो हमारा पोकेमोन आता है उसका नाम है गेंगार। गेंगार ऐश को गैलार रीजन में मिला था, और वो जब ऐश ने इसकी मदद की थी ना, इसलिए वो खुद ही ऐश के पास चला आया उसका फ्रेंड बनने। जब ऐश इसका फ्रेंड नहीं था ना, तो ये लोगों को डराता था, घर में से लोगों को डराता था। ऐश ने जब इसकी मदद की थी ना, तब वे ऐश के पास खुद ही चला आ गया था और उसके साथ रहा। तो चलिए दोस्तों नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला पोकेमोन आता है उसका नाम है लुकारियो। लुकारियो ऐश को गैलार में ही मिला था, उसका फ्रेंड बना था, ठीक है। ऐश फ्री से धीरे धीरे ट्रेनिंग देने लगा और ये बन गया पावरफुल प्लेयर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले कोई नए टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखना इस बुरे वक्त में, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार। तो बाय बाय फ्रेंड्स।